सत श्री अकाल जी सारू, मैं सुखविंदर थोड़ा सारे का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों अज का वीडियो ऑस्ट्रेलिया से है। ऑस्ट्रेलिया वालों कुछ व्डे अपडेट आए हैं जो कि स्टूडेंट्स के हक के कुछ अपडेट्स इदा के ने जो कि स्टूडेंट्स के हक के नहीं है। सो अज की इस वीडियो के आप ऑस्ट्रेलिया के जोड़े नवे 2022 के अपडेट आए हैं नवंबर या फैब 2023 इनटेक लिए, उन्होंने सारे की गल करा। जे आप मेजरली गल करिए पांच बड़े अपडेट ने ऑस्ट्रेलिया जो कि स्टूडेंट्स के फेवर के विच ने। सिर्फ एक है जी फीस वधाई है उन्होंने अंबैसी फीस। सब तो पहला अपडेट है कि ऑस्ट्रेलिया ने जिहड़ी इन्हां दी अंबैसी फीस है पहला 620 डॉलर सी वो 650 डॉलर करती। चलो वधानी भी है, उन्होंने अपनी इनकम थोड़ी जी इनक्रीज़ कर ली ये क्योंकि नंबर ऑफ फाइल्स बहुत ज़्यादा लग रही। दूजी जिहड़ी वड्डी अपडेट है, अप्रैल 2021 दे विच ऑस्ट्रेलिया ने एक डिसीजन लिता सी कि ऑस्ट्रेलिया कोविड के दौरान बंद सी, बहुत सारे जिहड़े स्टूडेंट सी ओह अपनी अर्निंग्स नहीं कर पाए। बहुत सारे स्टूडेंट इदां दे सी जो कि नवे आए ने, उन्हां नूं कम नहीं मिल रहा सी। सो ऑस्ट्रेलिया ने की किया कि जिहड़ा वर्किंग आवर सीगे 20 घंटे पर वीक उन्हूं अनलिमिटेड करता। तो हुण जिहड़ा डिसीजन आया है वो जिहड़े वर्किंग आवर सीगे वो जुलाई तक सीगे या आपां कहीए हुण सपटेंबर तक सी। तो हूँ जिहड़ा डिसीजन आया है वो जिहड़े वर्किंग आवर्स ने कंटीन्यूस मीनस कि जे तुसीं हुण ऑस्ट्रेलिया दे विच जाने हो तो तुसीं हफ्ते दे 20 घंटे नहीं, तुसीं हफ्ते दे अनलिमिटेड काम कर सकते। आपां बाकी कंट्रीज़ नाल कंपेयर करिए तो कैनेडा हो गया, यूके हो गया, सारिया जिहड़ियां कंट्रीज़ ने वह 20 घंटे हफ्ते का काम ही दिंदियां ने। बट सिर्फ ऑस्ट्रेलिया इकलौती कंट्री है जिथे तुसीं फुल टाइम वर्क कर सकते हो, तुहानूं फुल टाइम वर्क राइट्स ने पढ़ाई दे नाल नाल। सो एक बहुत वड्डी खुशखबरी है जिथे तुसी 20 घंटे च अपनी कमाई करनी सी तां हुण तुसी फुल टाइम वर्क परमिट दे विच अपनी कमाई कर सकते हो। नाल दी नाल ऑस्ट्रेलिया ने मिनिमम वेज रेट भी स्टूडेंट्स लई तय करते। ओह की ने तुसी ऑस्ट्रेलिया दी वैबसाइट ते जाके देख सकते हो, मैं नीचे लिंक भी पा दूंगा। हुण दोस्तों एक होर वड्डी चीज़ है जिहड़ी वड्डा डिसीजन है उहनूं मैं इह मानदा कि उह स्टूडेंट्स दे हक दे विच हैगा भी है ते नहीं भी हैगा। नई वाली जिहड़ी लाइन है वह थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि आपां नूं COE मिलती सी, उहनूं आपां जाके अपना कोर्स कॉलेज चेंज करदे सीगे। COE जदों भी अपना वीज़ा लगता है आपां पुराने अपने कोर्स या अपनी पुरानी यूनिवर्सिटी दे नाल आपां नूं वीज़ा मिल गया, आपां ऑस्ट्रेलिया दे विच पहुँच गए तां उत्थे जाके आपां की करदे सी, कई बार जिवें बैचलर वाला स्टूडेंट मास्टर्स ते गया है, मास्टर्स दी फीस बहुत ज़्यादा है, तां उह की करदे सी अपनी COE चेंज कर लैंदे सी, अपना कोर्स चेंज कर लैंदे सी, किसे कॉलेज च एडमिशन लै लैंदे सी जिथे 4 to 5 lakh या 6 lakh फीस सी, जबकि डिग्री की फीस 12 to 15 lakh सी, किते किते 18 lakh भी सी। सो उत्थे की करदे सी घट खर्चे वाला कोर्स लैंदे सी, COE सी जिहड़ी वो लंबी लै लैंदे सी। जे तुहाडी मास्टर डिग्री 2 साल की है तो कोई इदां दा डिप्लोमा लै लैना जिहड़ा कि 3 साल का, उस तों बाद 3 साल का वर्क परमिट, तो वह डिप्लोमा जिवें कुकरी का हो गया डिप्लोमा या फिर आपां कहीए कोई भी टैक्नीकल डिप्लोमा जो कि PR दे विच हैल्प करदा सी स्टूडेंट्स की, वह लै लैंदे सी। हुण तुसीं नहीं लै सकते। COE चेंज का मतलब यह है कि हुण तुसीं COE चेंज नहीं कर सकते। COE चेंज का मतलब यह है कि तुहाडा जिहड़ा वीज़ा है वह कैंसल कर दिता जाऊगा, तुहानूं वापस जाना पैना है। जिवें आपां यूके दे विच गल करदे हां कैश लैटर हुंदा है, तुसी कैश लैटर है जिहड़ा वह चेंज नहीं कर सकते, तुसी उत्थे जाके अपना कोर्स नहीं चेंज कर सकते। मुक्क दी गल है कि जे तुसी ऑस्ट्रेलिया हुण मास्टर डिग्री ते या बैचलर डिग्री ते जाओगे तो थोनू वह पढ़नी पैनी है, तुसी चेंज नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो आह गलती भी ना करो, जे तुसी अपने कोर्स तो सैटिस्फाई नहीं है, अपनी यूनिवर्सिटी तो सैटिस्फाई नहीं है, तो पहले ही अपने एजेंट नू कह दो। बट तुसी जे यह सोचोगे कि तुसी उत्थे जाके चेंज कर लोगे तो नहीं कर सकते। हुण एक वड्डी खुशखबरी उन्हां लई है जिन्हां दा वीज़ा ऑस्ट्रेलिया दे विच एक्सपायर हो गया सी या वह ऑस्ट्रेलिया तो बाहर सी ते उन्हां नू ऑस्ट्रेलिया दे विच दोबारा एंट्री नहीं मिली क्योंकि उन्हां कोल वीज़ा एक्सपायर हो गया। हुण वह अपना वीज़ा एक्सटेंड करा सकते हैं, उन्हां कोल मौका है। जो उन्हां दा वीज़ा 2 साल या 3 साल तक का अप टू 3 ईयर्स दी एक्सटेंशन ऑस्ट्रेलिया तुहानू दो। सो एक बहुत वड्डी गल है जिथे बहुत सारे एजेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे लोग ये कह रहे सी कि ऑस्ट्रेलिया सोचता नहीं, ह्यूमैनिटीज़ बारे नहीं सोचता, ऑस्ट्रेलिया इमीग्रेंट्स बारे नहीं सोचता, जिहड़े स्टूडेंट्स इत्थे पढ़ते हैं, जिहड़े वर्करस इत्थे पढ़ते हैं, जे वह छुट्टियां मनाने घर गए सी उस दौरान कोविड आ गया तो कोविड के विचों दे वीज़ा एक्सपायर हो गए तो ऑस्ट्रेलिया ने उन्होंने बारे सोचा नहीं। बट हुण ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ने यह फैसला लिता कि तुसीं अपना वीज़ा एक्सटेंड करा सकते हो। सो दोस्तों ये सारिया वड्डिया अपडेट से। इस तों बाद एक वड्डी अपडेट होर है कि ऑस्ट्रेलिया दे वीज़े दे विच टाइम डिले बहुत सी, प्रोसैसिंग टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। इहदे लई ऑस्ट्रेलिया ने 1200 नवे वीज़ा ऑफिसर रखे ने,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਆ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਹੁਣ 1.5 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਫੇਰ ਉਹੀ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਡੈਫਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ 2 ਮਹੀਨੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਜੂਗੀ 3-3, 4-4 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਡਿਸੀਜਨ ਦਾ ਹੀ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਟੀ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ COE ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਵੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿਓਗੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਅਸੈਪਟਿਡ ਹੈ ਚਾਹੇ ਰਿਜੈਕਟਿਡ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਹ ਪਊਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਸੀਜਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੂਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੋ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ GTE ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲ ਕਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੌਫਟਨ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜੀ GTE ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ GTE ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਵਰਟ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੀਨਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ 80709-81709 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਆਪਟ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਮਿਲੂਗੀ ਨੁਕਸਾਨ ਮਿਲੂਗਾ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜ਼ ਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।